हेलो दोस्तों, किसी भी कार के इंजन या अदर पार्ट के रिपेयरिंग के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज की ये जो वीडियो है ये नॉन टेक्निकल वीडियो है थोड़ी। इसमें मैं आपको किसी पार्ट की वर्किंग के बारे में नहीं बताने वाला, बल्कि जो हमारे लाइन में जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, जैसे रिपेयर से संबंधित है या रिप्लेस से संबंधित है, आपकी कार में कोई दिक्कत आ गई है, वो पार्ट जब रिपेयर किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है उससे संबंधित है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यदि आपको आपकी गाड़ी में कोई भी इशू है, कैसा भी इशू है, उसमें कोई पार्ट रिप्लेस हो रहा है या रिपेयर हो रहा है, तो रिप्लेस की कंडीशन में आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं मेरे नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो पार्ट मैं आपको कोशिश करूँगा जहाँ से भी अवेलेबल आपको करा पाऊँ, लेकिन इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि यदि वो पार्ट आपको मान लीजिए एक्स रुपीज़ में मिल रहा है, 10 रुपये का मिल रहा है, तो वो पार्ट मैं आपको कहीं ना कहीं 7 या 6 रुपये का अवेलेबल करा सकता हूँ। कहने का मतलब 10 रुपये का तो कोई पार्ट होता नहीं है वैसे हमारी कार में। अगर कोई पार्ट 15 या 20 हज़ार का है या 8 हज़ार का है, सपोज़ 8 हज़ार का है, तो वो पार्ट मैं आपको कहीं ना कहीं 5.5-6 हज़ार तक में अवेलेबल करा सकता हूँ। ऐसा क्यों मैं करूँगा तो मैं आपको बताता हूँ ये प्रोसेस चलता कैसे है हमारे रिपेयर लाइन में, क्योंकि मैं खुद इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं फ्यूल इंजेक्टर्स को रिपेयर करता हूँ, मेरे पास बॉश की ऑथराइज्ड डीलरशिप है, कमिंस की ऑथराइज्ड डीलरशिप है। मुझे काफ़ी समय हो गया है, हमारे काम को लगभग 50 से 60 साल हो गए, मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से ये काम है। तो मैं आपको बताता हूँ ये प्रोसेस होता कैसे है। सबसे पहले यदि आपकी कार में कोई इशू आता है तो होता क्या है कि कार सर्विस स्टेशन पे आपकी कार जाती है। अब वो कार होती है डायग्नोस यानी उस कार का होता है चेकअप। चेकअप के बाद अगर उस कार में सपोज़ लेट स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, तो चेकअप के बाद क्या होगा कि या तो वो आपको बोलेंगे कि आपका जो हाई प्रेशर पंप है गाड़ी का, मान लेते हैं कि आपकी गाड़ी का हाई प्रेशर पंप ख़राब है, तो हाई प्रेशर पंप है वो तो या तो आप रिपेयर करा लो या फिर उसको आप रिप्लेस कराओ। तो जब वो रिपेयर के लिए अगर जाता है तो उसमें यदि आपने प्रॉपर क्या कहते हैं अपना सर्विस स्टेशन पे आप नहीं गए हो, किसी गैराज में गए हो, लोकल गैराज में, और ऐसा कहना सही नहीं कि सारे गैराजेज या सारे सर्विस स्टेशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमीशन जो है उनका बंदा रहता है रिपेयर वर्कशॉप से, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो काम जो है जेन्युइन कराते हैं, लेकिन ऐसे लोग 90% हैं जो काम को प्रॉपरली कराना तो चाहते हैं बट उसमें कमीशन का उनका मामला ज़्यादा बने, ऐसे लोग 90% है, और अच्छे लोग जो हैं वो 10% हैं लेकिन एग्जिस्ट करते हैं, जिनका बर्ताव भी काफ़ी अच्छा होता है। अब इसमें एक दिक्कत आती है कि कमीशन के टाइम में कई लोग तो ये नहीं सोचते कि गाड़ी सही होगी या नहीं होगी, वो ये चाहते हैं कि हम रिपेयर के लिए भेजें और हमारा कमीशन बन जाए। तो उस केस में जो है कस्टमर अगर 10 हज़ार या 12 हज़ार तक का 10 हज़ार तक का बिल है तो वो कमीशन जो है बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ा दी जाती है, और वो वाकई में बहुत गलत है हमारे रिपेयर लाइन में। इस चीज़ को देखना चाहिए अपने खुद के लेवल पर कि ऐसा हमें कस्टमर के साथ नहीं करना है, बट इस चीज़ को आप तभी रोक सकते हो जब आप अपनी गाड़ी को जो है ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन पे ले जाओगे। यदि आप मारुति की गाड़ी लोकल में ले गए और एक जो है आप ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन पे ले गए तो उसमें काफ़ी अंतर है। ऑथराइज सर्विस स्टेशन वाले का सबसे मेन मकसद होगा कि गाड़ी ये सही हो, दूसरा ये उसकी सारी अप्रोचेस बहुत अच्छी होंगी, उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सारे टूल्स होंगे। तो मेरा तो यही मानना है अगर आपकी गाड़ी में कोई भी इशू है, बड़ा या छोटा भी है, तो आप उसको जो है अपने कार सर्विस स्टेशन पे ही ले जाएं। ह्यूंडई की गाड़ी है तो ह्यूंडई पे ले जाएं, मारुति के हैं तो मारुति पे ले जाएं, इसी तरीके से ले जाएं, क्योंकि हो सकता है कि वो छोटी प्रॉब्लम बड़ी दिखा के उसमें बड़ा कोई सामान 20 हज़ार 25 हज़ार का लगा दिया अगर आप लोकल पे ले गए तो।
फिर एक तो चीज़ आती है रिपेयर की, और एक आता है ऑप्शन आपके पास रिप्लेस का कि यार हाई प्रेशर पंप ख़राब है तो उसको रिपेयर नहीं कराऊंगा मैं, रिप्लेस ही करा देता हूँ। तो रिप्लेस कराने में अब होता क्या है कि जैसे मारुति के अंदर हाई प्रेशर पंप लगा हुआ है तो मारुति अपना सामान कभी नहीं बनाती। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए मारुति का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, समझाने के लिए मारुति का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। तो मान लेते हैं मारुति कंपनी है, मारुति के अंदर हाई प्रेशर पंप जो है वो बॉश का लगा हुआ है। अब होगा क्या, या फिर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं नोज़ल का, तो बॉश की जो है उसमें नोज़ल लगी हुई है, यदि आप वो डायरेक्ट मारुति से परचेज़ करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि बॉश जब मारुति को कोई अपना सामान बेचेगी तो 10% या 12% एक्स्ट्रा लेके ही बेचेगी, क्योंकि बॉश भी चाहती है उसका मुनाफा हो। तो 10% या 12% या 20% जो है एक्स्ट्रा लग के वो मारुति को मिलता है। अब मारुति से यदि अगर कस्टमर ख़रीदे या किसी भी एक्स वाई जेड कंपनी से कस्टमर अगर वो ख़रीदे तो वो उसे 10 से 20% एक्स्ट्रा पे मिलता है। लेकिन वही चीज़ अगर आप बॉश के पॉइंट से ख़रीदेंगे, बॉश डीलर सर्विस से ख़रीदेंगे, या मान लो उसमें बॉश का पार्ट नहीं, डेल्फी का पार्ट है या सीमेंस का कोई पार्ट है, अलग कंपनी का पार्ट है, तो वो पार्ट यदि आप अपने कार सर्विस सेंटर से ना ख़रीद के डायरेक्ट उस सर्विस डायरेक्ट उस कंपनी के डीलर पॉइंट से ख़रीदेंगे तो आपको हो सकता है वही चीज़ -10-20% में मिल जाए। तो 20,000 की कोई चीज़ है तो आपको मारुति में एग्ज़ाम्पल के लिए 22,000 की पड़ी, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आपको हो सकता है 17-18 हज़ार की पड़े। तो लोगों को ये पता नहीं होता कि ये पॉइंट्स कहाँ हैं, हमें कहाँ से परचेज़ करना है और इस तरीके से। तो यदि आप कार सर्विस स्टेशन से ख़रीद रहे हैं तो वो चीज़ आपको जाहिर सी बात है महंगी पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपको कहीं भागा दौड़ी नहीं करनी है, वो अपने आप सारी चीज़ें अरेंज करते हैं। और अगर आप पॉइंट से ख़रीदेंगे उस कंपनी की तो आपको चीज़ सस्ती पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ये वीडियो आज इसीलिए बनाया कि यदि आपके कार में कोई इशू आता है, कोई भी चीज़ रिप्लेस होने वाली है, तो आप एक बार उस चीज़ को रिप्लेस कराने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मुझे कॉल करें, मेरे से आप रेट टैली कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि आपको बेनिफिट है तो आप मेरे से डेफिनेटली बोलें, मैं डायरेक्ट आपकी बात वेंडर से कराऊंगा और आप जो है वेंडर से डायरेक्ट वो अपना सामान ले सकते हैं, जो कि 100% जेन्युइन होगा। और जेन्युइन की जो एक ओरिजिनलिटी होती है वो आपको उसकी पैकिंग से ही पता लग जाएगी, उसके सारे पार्ट नंबर से पता लग जाएगी। तो यदि आपको रिपेयर में या रिप्लेस में कोई दिक्कत है तो आप मेरे को डेफिनेटली कॉल करें, मैं कहीं ना कहीं आपकी मदद करना चाहता हूँ और मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। थैंक यू।